हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल में अर्चना कुकिंग गैलरी। तो आज मैं लेकर आई हूं अपने किचन में एक गर्मियों के मौसम की बहुत ही खास रेसिपी जिसे सभी को पीना चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूं बॉइल्ड कैरी की रेसिपी जिसे आप आम मसाला या फिर आम पन्ना भी कह सकते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच शुगर के और 1 बड़ा चम्मच ले लिया है सॉल्ट यानी कि नमक। और मैंने 2 से 3 बड़ी कैरीज को बॉईल करके रख लिया है और पिसा भुना जीरा के साथ मैंने ले लिया है कुछ मिंट की लीव्स जिसे तोड़कर साफ करके मैंने रख लिया है। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 हरी मिर्ची और 1 छोटा टुकड़ा जिंजर यानी अदरक का। तो बस इन्हीं सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बाजार जैसा टेस्ट मिलने वाला है और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इसे बनाने के लिए मैंने मिंट की लीव्स में ये दोनों हरी मिर्ची डाल दी और अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया जिसकी डंठल मैं निकाल लूँगी, और साथ में मैं चीनी और सॉल्ट भी उसमें ऐड कर दूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। तो बस मैंने हरी मिर्चियों के डंठल को निकाल दिया है और अदरक के टुकड़े को साफ करके ले लिया है और चीनी और नमक और मिंट की लीव्स को मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। मैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है सारी चीज़ें, तो बस इसे मैं एक बोल में निकाल कर रख लूँगी। तो अब बारी आती है कैरीज को पील करने की। तो हम इस तरीके से पील करके सारी कैरीज को रख लेंगे। जब सारी कैरीज के छिलके को मैंने निकाल दिया है तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरीके से मसल मसल कर इसका जो पल्प है वो निकाल लूँगी। बस मुझे ध्यान ये रखना है कि इसका जो पल्प है वो मुझे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है, ये ऐसे ही पल्प मुझे रखना है। बस थोड़ा सा इसे ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी ताकि इसकी जो बड़ी बड़ी लम्प्स हैं वो स्मॉल हो जाएं। बस ये ऐसे ही अच्छा लगता है। साथ में मैं लूँगी 2 बड़े कांच के ग्लास जिसमें मुझे आम पना या आम मसाला बनाना है, जो कि बिल्कुल बाजार जैसा दिखने वाला भी है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आइस के टुकड़े डालने से ये आम पन्ना बहुत ही अच्छा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो ग्रीन चटनी बनाकर रखी है उसको ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में मैं अब डालूंगी कच्ची कैरी का पल्प, तो मैंने दोनों ग्लासेस में इसे डाल दिया है। अब मैं इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब ये आम मसाला या आम पना बिल्कुल रेडी है पीने के लिए। बस लास्ट में बस इसमें थोड़ा सा पिसा भुना जीरा ऐड करना है और इसे ऐड करने के बाद ये बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट वाला आम पना या आम मसाला रेडी हो चुका है। तो आप भी बनाइए इस तरीके का आम मसाला या आम पना और इन्जॉय करिए गर्मियाँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे चैनल से किसी भी तरीके की कोई नई रेसिपीज़
चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।